They say, okay, you can walk, you can cross the border, come back to Albania, we can help you in a system and you can go. Okay. अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तिराना अल्बानिया। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था और आज है मेरा यहाँ पे दूसरा दिन। कुछ दिन का स्टार्ट अच्छा नहीं गुजर रहा कि अभी न्यूज़ में आया था कि इनकी सेकंड वेव स्टार्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आ रही हैं और हो सकता है कि इनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अपने बॉर्डर बंद कर दें, और इससे पहले कि ग्रीस या कोई और कंट्री इनके साथ बॉर्डर करे मैं यहाँ पे फंस जाऊँ, मैं यहाँ से निकलने का सोच रहा हूँ। आज का प्लान ये है कि मैं ग्रीस की तरफ राइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि ग्रीस के बॉर्डर से इंटर हो जाऊँ। ग्रीस का बॉर्डर 15 जून से खुला है और आज है 17 जून, सो मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए। और गूगल जी मुझे बता रहे हैं कि मुझे लगेंगे तकरीबन 4 घंटे 30 मिनट, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का सफ़र है। सो अभी मैं आया हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करके सामान पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जी तैयार हैं, अपनी सवारी तैयार है। बारिश जो है वो तो नाम नहीं ले रही ख़त्म होने का, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। या अभी लाज खैर खरीये से आज का दिन भी गुजारना, यहाँ से तिराना से निकल जाएं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक जो है ना, कल मैं इसीलिए सिटी सेंटर नहीं गया शाम के टाइम कि थकावट इतनी हो जाती है इस ट्रैफिक में। वो देखें रोड के दरमियान में वो वापस कर रहा है, चाहे पीछे गाड़ियां जो हैं वो सारी खड़ी रहें। तो पाकिस्तान वाला हाल है इधर भी भाई, जिधर दिल की आप जो है ना वापस कर लो, चले जाओ, उल्ट चला लो, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोक टोक वाला यहाँ पे भी। चलो जी, ये खड़ी तो नहीं हुई कहीं? हाँ जी, ये खड़ी हुई है। बंदा इनको कहे तो कहे क्या यार, हद हो गई भाई। हम यहाँ से ही फुल करा लेते हैं। फुल फुल। तो आज डाला जिसमें 9 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास अभी लेक हैं, इसको देते हैं। ये तकरीबन बन जाते हैं 1400 कुछ है, तो 120 लेक जो होते हैं वो 1 यूरो के बराबर होते हैं। तो 12 यूरो के करीब बन जाते हैं 13 यूरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलो जी, हम लोग आ गए हैं जी अल्बानिया की कोस्ट के साथ साथ, और अब हम आगे ट्रैवल जो है कोस्ट के साथ साथ ही करेंगे। जिस एरिया में हूँ इसे कहते हैं जी ड्यूरस। अब थोड़ा सा ख्याल रखना है भैया, कहीं हम गलत ना चले जाएं। मेरे ख्याल में तो यही हमें नेविगेशन बता रही है। बिल्कुल सही, ड्यूरस इनकी पोर्ट सिटी है और बीच वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, और तिराने से मोस्टली लोग यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए। बारिश ने हमें फिर से काबू कर लिया है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हम जिधर जिधर जा रहे हैं, जितना मैं इससे भाग रहा हूँ ये उतना ही मुझे जो है काबू कर रही है। मैं सोच रहा हूँ आगे जाके ब्रेक ले लूँ, क्योंकि आगे बड़ा जालिम किस्म का तूफ़ान सामने आ रहा है। या बारिश टिका के हो रही है यहाँ पे अब कोई, ये सामने मुझे लगता है क्योंकि पेट्रोल पंप आ रहा है यहाँ पे। अल्बानिया में एक चीज़ है
जगह जगह पे पेट्रोल पंप्स है, बहुत ज्यादा लगता है इनका मेन बिजनेस ही यही है पेट्रोल। हर पेट्रोल पंप पे डिफरेंट प्राइजेस हैं, कोई ऐसा पेट्रोल पंप मुझे नहीं मिला जो, यानी मतलब के कोई 10 पेट्रोल पंप अगर मैंने देखे हैं तो 8 में डिफरेंट प्राइस होगी। वन कैपुचिनो, नेस्कैफे, नो दिस इज विद मिल्क, या दिस इज गुड, या एस्प्रेसो तो नहीं बना रही, बिग, यस। ऐसी माड़ी किस्मत है आज तो कि जिस कैफ़े पे, इतने ज़्यादा कैफ़े थे रास्ते में, लेकिन जिस पे आके मैं रुका हूँ वहाँ पे कॉफ़ी तो मिली है लेकिन काली कॉफ़ी, दूध है ही नहीं, और मैंने उसके साथ तकरीबन कोई इतनी देर खपाऊँ कि मुझे मिल्क चाहिए, उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहा हूँ। आखिर में मैंने जो है ना थक हार के कहा ठीक है अब कॉफ़ी आ गई, यही पीते हैं। कॉफ़ी की हालत चेक करें ज़रा, ये कॉफ़ी का शुदाई हूँ मैं, लेकिन ये जो काली कॉफ़ी है ना दूध के बगैर नहीं पी जाती भाई, चीनी तो मैं वैसे नहीं डालता, दूध जो है ना वो ज़रूरी है। और अभी मैं सोच रहा हूँ जिस तरह का मौसम है हाईवे पे चलाने को, भाई मैं तो थक गया हूँ हाईवे पे नहीं चला रहा, थोड़ा सा आगे जाके कोस्ट के साथ साथ रूट लेंगे, और चाहे मुझे 2 घंटे ज़्यादा लग जाएँ लेकिन अब कोस्ट के साथ साथ ड्राइव करना है, हाईवे पे नहीं ड्राइव करना। ये इस ट्रिप का अभी तक का मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल दिन जो मुझे लग रहा है ना वो आज का, वो इस वजह से नहीं कि राइड बहुत मुश्किल है ये कुछ इस तरह की चीज़, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे हाईवे पे रहना पड़ रहा है और बहुत ही बोरिंग सीनरी है, हाईवे पे फोकस करना इतना मुश्किल हो रहा है, लिटरली ऐसी आंखें बंद हो रही हैं, ऐसी थकावट हुई पड़ी है। फॉर्चुनेटली मैंने अच्छा डिसीजन ले लिया कि मैं अब एक सीनिक रोड लूँगा, क्योंकि अगर इस पे रोड पे मैं गया तो मुझे लगता है कि मेरी आंख ना लग जाए यार। अभी मैं आ गया हूँ, ये एक पिंड में आ गए हैं किसी में, ये छोटे से सिटी में आ गए हैं, इसके आगे जो है सारी हम लोग सीनिक रोड लेंगे इंशाल्लाह। कॉफी, या कैपुचिनो, यस। तो ये थी अपनी कॉफी नंबर 4। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोकल्स इंग्लिश नहीं बोलते और ना ही जर्मन, मोस्टली जो है वो इटालियन उनको आती है, और इटालियन अपनी इतनी है जितनी इन लोगों की इंग्लिश है तो इसलिए मैं बात नहीं करता उसमें, वो सिर्फ बोंजोर्नो और ग्राजी, इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता। इस नेशनल पार्क को कहते हैं जी लागोर्ना नेशनल पार्क, मैं बस गलती से यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने कोई प्लान नहीं किया था इस तरफ आने का, बस ये था कि मैंने रास्ते में रूट चेंज कर लिया था कि थोड़ा सा सीनिक रूट हो जाए, और काफ़ी खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट वगैरह तो कम ही है, सीनरी अच्छी है यहाँ की। पाँच बज गए हैं और अब हमने ली है अपने लेट लंच डिनर की ब्रेक, किधर लॉबस्टर खाने थे और किधर सारा दिन जो है चक्करों में जो है ना कर्व लगा लगा के, अब जो है यहाँ पे लॉबस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फ़िश, शुक्र है फ़िश इस एरिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीच के वो उसके समंदर के साथ साथ है, और यहाँ पे यार इतना मसला हो रहा है, किसी को मेरी ना मेरी लैंग्वेज की समझ आ रही है ना उनको मेरी आ रही है, बस इशारों से काम चला। जब मैंने हाथ लगा के उनको बताया कि मुझे बस ये दे दे जो भी आपके पास, इस एरिया जो ग्रीक के साथ है, ग्रीस के साथ लगता है, यहाँ पे बोलते हैं मोस्टली ग्रीक, तो अभी देखते हैं कि जो कुछ आता है उसके बाद पता चलेगा कि क्या आता है। ये आया जी, देखें अभी ग्रीक सैलड आया है और साथ में फ़िश होनी चाहिए, अगर तो वो आ गई तो।
उसको इंग्लिश नहीं आती। 12 यूरो तक बनेगा, 12 बनाया उसने, ठीक है। 5, 5, 10, थैंक यू, बाय। मेरे से जो गलती हुई है वो ये कि यहाँ पे मैंने जो एड्रेस दिया था वो दरमियान वाले इस गांव का दिया था। अब मुझे ये नहीं पता था कि जो बीच के साथ साथ रोड जा रही है वो इस तरह की छोटी रोड है और उसके ऊपर जो है कर्वी कर्व शर्व सारा कुछ है। तो मिस्टर गूगल जी अभी मुझे बता रहा है कि 162 किलोमीटर हम करेंगे 3 घंटे 13 मिनट में, मीन्स मेरी लग गई, रात के 9 बजे पहुंचेंगे। एक तरह से अच्छा भी है कि एटलीस्ट आज मैंने इस अल्बानिया का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिफरेंट रीजन देख लिया। अदरवाइज अगर मैं हाईवे पे रहता तो मैं जो है ना जिस तरह मुझे झूले आ रहे थे, नींद आ रही थी, वो गलत भी हो सकता था। Grecia, sì. Pakistan. Pakistan? Sì. Alemania, Pakistan. Moto. Motore Alemania. Alemania. Pakistan. Thank you. Perché लोग अच्छे हैं यार, ओवरऑल फ्रेंडली लोग हैं। And she was a lonely boat, blurred in the mist. ये कर्व कब खत्म होंगे भाई? आज तो बस ऐसे ही से ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मार रहे हैं रोड्स ना। मुझे भी कर्व पे आने का शौक था और मेरा शौक खूब पूरा हो रहा है, खूब, और ख़त्म होने के ये नाम ही नहीं ले रहे। हम एक साइड से उतरते हैं, दूसरी साइड पे चढ़ जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लास्ट पार्ट जो है ना इसमें मैं महसूस कर रहा हूँ थकावट होना शुरू हो गई है। सो आई होप कि ये कर्व जो है ना बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। मुझे सामने एक रोड तो मैप पे नज़र आ रही है, सो होपफुली सिर्फ हमने वहाँ तक ही जाना होगा और उसके बाद आगे कोई सीधी सी रोड हमें मिल जाएगी। लेकिन यार व्यूज़ चेक करें, कसम से बहुत आला यार, बहुत आला। Perhaps she feels the same. Knowing. हम लोग पहुंच गए हैं जी बॉर्डर पे। सो फर्स्ट हमें एग्जिट करना है अल्बेनिया और फिर नेक्स्ट ग्रीस। लेट्स सी। होपफुली कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। Germany? Yes. It's not allowed for now to go in Greece. German citizens are not allowed? Yeah. They tell us. Okay. Just please open the street and I can tell you. Okay, sir. Yes, sir. You speak English? Yes, I do speak English, sir. The border from Greece is closed. Only for citizen Greece is open. So today we got one guy from German and. The Greece border, they turn back. They don't cross the border, the Greece border. They send back. So, just park the motorcycle here. Walk down there to the Greece border. They say, okay, you can walk. You can cross the border. Come back to Albania. We can help you in a system and you can go. Okay, okay, just a second. The motorcycle. Okay. जाके उनसे पूछ के आते हैं। रात के 9:30 बजे हैं और सारा दिन मैं ट्रैवल करके जब बॉर्डर पे पहुंचा हूं तो अभी मुझे ये लोग कहते हैं ग्रीस वाले कि इन्होंने एंट्री जो है बंद कर दी है। आज है 17th of June और 1st of July तक क्लोज्ड है। 15 जून को इन्होंने ओपन की थी सिर्फ एक दिन के लिए और उसके फौरन बाद इन्होंने बंद कर दी है। तो अभी करना ही है कि मुझे वापस जाना है और मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर मैं नॉर्थ मैसिडोनिया से क्रॉस करूं, क्योंकि अभी उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि मैं क्रॉस कर सकता हूं और ग्रीस इतने कमीने हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की। मुझे डर था कि ये लोग तिराना में ये लोग बंद कर देंगे, लेकिन इन्होंने तिराना में जब मैंने वेबसाइट देखी तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था। खैर एनी बाकी बातें हम जाल हो जा करते हैं
होटल में। अभी मैं इसके ग्रीस और अल्बेनिया के बॉर्डर पे हूँ, तो अभी मुझे तकरीबन एक घंटा ड्राइव करके वापस जाना है, क्योंकि कल मेरी जो ड्राइव होगी नॉर्थ मैसेडोनिया के बॉर्डर की तरफ वो भी लंबी होगी, इसलिए मैंने अभी एक घंटा दूर यहाँ से लिया है। तो 10:30 बजे तक उम्मीद है इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और जाकर रेस्ट मारते हैं और वो आपसे बात होगी वहाँ पर। यहाँ से राइट और आगे जाके यहाँ पे इधर पास ही कहीं होना चाहिए। अब ग्रीस के बॉर्डर से आ गया मैं वापस और फॉर्चुनेटली होटल ढूंढने में मुझे थोड़ा सा मसला हुआ, ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ये मेन हाईवे पे होटल है और ये मैंने एक घंटा दूर इसलिए लिया था कि कल की जो मेरी राइड होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मैंने आज राइड, एक तो मैं थका हुआ बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने सुबह तकरीबन 9:30 बजे स्टार्ट किया, तो अभी मैं जब पहुँचा हूँ 10:30 बज गए, तो मेरा बहुत लंबा दिन रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे रहा है जिस एरिए में मैं गया हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। और अभी मुझे पता नहीं, जब मैं व्लॉग एडिट करूँगा तो तब मुझे और ज़्यादा आइडिया होगा कि किस तरह की फुटेज आई है। होपफुली आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अनफॉर्चुनेटली ग्रीस वालों ने इंटर नहीं होने दिया, लेकिन खैर उसको गोली मारे मैं इस बेस पे अपना जो है दिन ख़राब नहीं करना चाहता। एडवेंचर में ऐसा होता रहता है, कभी आपके दिन अच्छे गुजरते हैं कभी बुरे गुजरते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ पर जो है अपना सारा दिन बेस कर लें कि यार ये हो गया वो हो गया ये होता रहता है, खैर ऐसी बातों को मारें गोली। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि अब मैं अगला स्टेप क्या ले रहा हूं। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया है, और अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अभी मैं बहुत थका हूं, आराम से सोता हूं, सुबह सुबह अगला दिन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।